देखिए इसमें लगाने के लिए मैं ऐसे पॉम पॉम फ्लावर बना के इस तरीके के इसमें बांध के ऐसे बनाएंगे। आप सिंगल भी बना सकते हैं, कई कलर में भी बना सकते हैं। देखिए कैसे बनते हैं ये, एक आपको बना के दिखा देते हैं। देखिए दो पेंसिल ले लिया और जिस थ्रेड से हमें बांधना है, मजबूत धागा होना चाहिए, उसको आप ऐसे कर लीजिए, यहाँ से तोड़ लीजिए ऐसे, और इसमें ऐसे फंसा कर ऐसे इधर भी ऐसे ला के यहाँ पे इसमें ऐसे 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 फंसा दीजिए इसको, इसको ऐसे टाइट कर दीजिए और इसको ऐसे यहाँ ऐसे पकड़ लीजिए इस तरीके से, और इस वाले थ्रेड को ऐसे पकड़ के इस पर लपेट देंगे। इसको फुल लपेट करके ज़्यादा तब दिखाते हैं। इतना हमने इतना ज़्यादा लपेट लिया है। अब हम चाहें तो इसमें ब्लू कलर या रेड कलर, हम ब्लू कलर का बना चुके हैं तो हम इसमें लाइए रेड कलर मिला के बनाते हैं इसको, येलो में रेड ब्लू भी बना के दिखाएंगे आपको। ये देखिए हर कलर का बना के हम इसमें लगा देंगे, जो जो कलर हमारे डिज़ाइन में लगा हुआ है गेट पर्दे में वही। इसको सिंपल ऐसे ही ले, जिस तरीके से इसको फोल्ड किया है उसी तरीके से इसे भी आप कई बार फोल्ड करते चले जाइए, फिर एक बार येलो वाला फिर लगा देंगे। इस तरीके से पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और पूरा लगाने के बाद इसको फिर हम पेंसिल निकाल करके काट करके फ्लावर बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो इस तरीके से रेड वाला, रेड वाले के बाद अब फिर ऑरेंज लगाते हैं। रेड वाला कंप्लीट हो गया, रेड के बाद फिर हम येलो वाला लपेट लेंगे इस साइड करके, ऐसे इसको यहाँ से तोड़कर निकाल देंगे इस तरीके से, और फिर हम इस पर पूरा येलो डाल लेंगे। ये देखिए तब आपको दिखाते हैं, हमने ये पूरा ऐसे लपेट लिया, ये धागा जो हमने फोल्ड किया था ये वाला धागा, ये देखिए। अब इसमें से हम ये एक पेंसिल निकाल देते हैं, ये देखिए ये निकल गया, ये हमारा धागा जिसे हम इसको बांध लेंगे, और ये छोटी वाली पेंसिल ये भी हमने इस तरीके से इसको निकाल दी, इस वाले थ्रेड को तोड़ देंगे और इसको हम ऐसे इस तरीके से बांध लेते हैं। देखिए इस तरीके से, और ऐसे करके इस तरीके से यहाँ भी बांधेंगे, इस जगह बांधेंगे ताकि ये हम काटने में हमें चारों तरफ से इसको आसानी से हम काट सकते हैं। देखिए इस तरीके से बांध के एक धागे को हम फिर एक साइड इस तरीके से इसे निकाल लेंगे इधर, और इस खींच के ऐसे हम पफ, ये हम क्या बोलते हैं, इसको हम पहले भी बनाना बता चुके हैं, इसकी वीडियो हम पहले से भी अपलोड कर चुके हैं, आप चाहें तो चैनल पर जाके वहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से अब इसको हम चारों तरफ से राउंड शेप में इसको काट देंगे, और काट के बराबर छटाई कर देंगे। इस तरीके से हमारा पॉम पॉम फ्लावर तैयार हो जाएगा। इसकी वीडियो मैंने पहले भी अपलोड कर चुकी है, वहाँ से भी आप लोग देखकर बना सकते हैं। पेंसिल पे भी बना लीजिए इसको, आप पेन से बना सकते हैं, या आप गोल कोई भी चीज़ हो स्लिप करने वाली उस पर भी आप लपेट कर आराम से खींच कर निकाल कर बना सकते हैं, बहुत ही ईजी वे है। इस तरीके से अब हम आपको पूरा पॉम पॉम फ्लावर बनाकर और उसमें लगाकर तब दिखाते हैं कि इसका लुक कैसा दिखता है। ये देखिए हमारा टोरन बनके कंप्लीट हो गया है। ये देखिए हमने पूरे में बना के पॉम पॉम फ्लावर ये लगा दिए, देखिए ये देखिए इधर से भी और इधर से भी पूरा कंप्लीट हो गया है। पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।